आवाज नहीं चलेगी भाई। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक। ये बाहर धूप में खड़े हैं वो भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्री सीटी रवि जी, अमरपाल मौर्य जी, रीताबेन बहुगुणा सांसद प्रयागराज, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, नंद गोपाल नंदी जी, श्री हार्दिक पटेल जी, उमेश चंद्र गणेश केसरवानी जी, श्री मनोज जायसवाल जी, शिवदत्त पटेल जी, सुशील त्रिपाठी जी, राजेंद्र मिश्रा जी, बहन नीलम करवरिया जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी। नीरज आगे आओ, नीरज जोर से ताली बजाइए नीरज त्रिपाठी के लिए। और आज सो रहा हूं प्रयागराज की सभा में, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रयागराज की इस पावन भूमि को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भैया बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, जरा प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे दिखाई पड़े। मैं सूर्यामाई मन कामेश्वर महादेव मंदिर, सुजावन देव मंदिर, विंध्याचल माता चित्रकूट धाम और कामतानाथ मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब महामना मदन मोहन मालवीय जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन को भी याद करना चाहता हूं। और मैं आज महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, श्री चंद्रशेखर आजाद और शहीद लाल पद्मधर को भी श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, अब तक चार चरण का चुनाव हो चुका है, आपको चार चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो जानना है क्या, और जोर से बोलो जानना है क्या? चार चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे नीरज त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर वोट दबाओगे तो नीरज जी जीत कर सांसद बनेंगे। सुनो सुनो, परंतु इसके साथ साथ कमल के निशान पर दबाया हुआ हर वोट
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है भारत को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। 3 लाख गांव में डेयरियों की व्यवस्था करना और भारत को सुरक्षित बनाना। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं, राजस्थान और यूपी वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे महाराज, 80 पार कर गए, इस देश को नहीं समझ पाए आप? मेरे इलाहाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं, पाकिस्तान को सम्मान दो। क्यों सम्मान दो? क्योंकि इसके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। मैं आज पूछने आया हूं सोराव वालों को कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। राहुल बाबा, आपने 70 साल तक 370 को बचा कर रखा। प्रयागराज वालों, आपने यहां से मोदी जी को चुनकर भेजा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया, समाप्त। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बैठ जाएगी। भाइयों बहनों, मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो राहुल बाबा, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आतंकवाद से देश को मुक्त करने का काम किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली, आए दिन आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मोदी जी का शासन आया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये कुंभ का क्षेत्र है, विरासत की भूमि है। यहां नरेंद्र मोदी जी निषाद राज पार्क बना रहे हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम को विकसित किया जा रहा है और अपने लेटे हनुमान जी के सामने, लेटे हनुमान जी के सामने बड़ा कॉरिडोर बनाने का काम भी भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब प्रयागराज वालों तैयार हो जाना, 2025 में पूरा देश
कुंभ मेले में आने वाला है, कुंभ मेले में आने वाला है। प्रयागराज वालों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर तनिक सोच लो, ये इंडी अलायंस का बहुमत आ जाए तो उसके प्रधानमंत्री कौन होंगे भाई? कोई है प्रधानमंत्री? दिखाई पड़ता है? मैं आपको बारी बारी नाम पूछता हूं, अखिलेश बाबू बन सकते हैं क्या? तेजस्वी यादव बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? पवार साहब बन सकते हैं क्या? जब उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये भारत देश है, परचूरण की दुकान नहीं है। हमें इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। भाइयों बहनों, वो मजबूत प्रधानमंत्री कौन है? अरे जोर से बोलो, 56 इंच के सीने वाला ये प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो, कौन है? भाइयों बहनों, ये दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, मोदी जी 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस कहता है हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 हटा देंगे। हटाना चाहिए क्या? लाना चाहिए वापिस? जोर से बोलो, लाना चाहिए? ये ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए? मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, देना चाहिए? ये सीए हटाना चाहते हैं, हटाना चाहिए? और ये न्यूक्लियर हथियार भी नष्ट करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। पूरा इंडी अलायंस अपने बेटों बेटी के लिए राजनीति करता है। देखे लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, उद्धव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, और ममता बनर्जी अपने भतीजों को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। इलाहाबाद वालों, जो बेटे बेटी भतीजों के लिए राजनीति में हो, वो इलाहाबाद के युवा का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? इलाहाबाद के युवाओं का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां बताने आया हूं, हमारी बहन सांसद थी प्रोफेसर साहिबा, देखने में तो बड़ी शांत और सौम्य दिखती है। बहन जी जरा आगे आइए। इन्होंने प्रयागराज के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं, एक बार ताली बजाइए हमारी सांसद के लिए। मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना, प्रयागराज में आंधवा से हंडिया तक रोड का चौड़ीकरण हुआ, 12 रेलवे ओवरब्रिज बने, फाफा मऊ 6 लेन रोपवे बना, इलाहाबाद प्रयागराज स्मार्ट सिटी में आया और 1500 सीट वाला ऑडिटोरियम भी बन रहा है। और अपनी जो हाईकोर्ट है ना, इसके लिए हैदराबाद प्रयागराज के बच्चों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी भी बन रही है। श्रृंगवेरपुर में निषाद पार्क बन रहा है,
गंगा नदी पर ओवरब्रिज बन चुका है। इलाहाबाद जनपद में पब्लिक हेल्थ लैब निर्माण की है और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। सिर्फ प्रयागराज में 1,55,000 गरीबों को घर देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5,80,000 गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। 6,50,000 गरीबों के घर में नल से जल दिया है। 8,00,000 शौचालय बनाए और 8,00,000 लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अंत में मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस सपा 70 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखे, अटका कर रखे। इस समाजवादी की पार्टी की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, हमारे राम भक्तों को मारने का काम किया। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, जब ट्रस्ट ने इनको निमंत्रण भेजा कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए, वो लोग नहीं गए, सोनिया जी भी नहीं गई, राहुल बाबा भी नहीं गए और अखिलेश और डिंपल भाभी भी नहीं गई। क्यों नहीं गए भाई, बताओ क्यों नहीं गए? अरे वो डरते हैं। मालूम है किससे डरते हैं? अपनी वोट बैंक से डरते हैं। प्रयागराज वालों, उनकी वोट बैंक कौन है? अरे आप नहीं हो सोरा वालों, गलत फहमी में मत रहना। आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है। वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं, मगर हम भाजपा वाले किसी से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम भी मोदी जी ने किया। सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अपने सभी संस्कृति के धर्म के केंद्रों को ऊर्जावान बनाने का काम किया। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनाने वाले हैं। ये दोनों के बीच में चुनाव करना है। और भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और योगी जी ने चुन चुन कर गुंडों का सफाया कर यूपी को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है देश का भविष्य तय करने का है, ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का है, गरीबी को समाप्त करने का है और ये चुनाव महान भारत की रचना करने का चुनाव है। आज प्रयागराज वालों को मैं अपील करने आया हूं। हमने एक युवा साथी नीरज को टिकट दिया है। केसरीनाथ जी का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आप नीरज को वोट देंगे
तो नीरज तो सांसद बनेंगे, केसरीनाथ जी का ऋण भी उतर जाएगा। मुझे बताइए, नीरज त्रिपाठी के सामने कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे जोर से बोलो भाई, अंत तक दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। नीरज त्रिपाठी जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह के रूप में गदा माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। माननीय नीरज त्रिपाठी जी,